बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और कड़ी चुनौतियों के बीच एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली। इस वीडियो में हम आपको बिहार विधानसभा चुनावों की पूरी कहानी बता रहे हैं। साल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव कुछ अलग रहा। अलग इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बीच इसे आयोजित किया गया। चुनावों को 3 चरणों में आयोजित कराया गया। पहला चरण 28 अक्टूबर 2020, दूसरा चरण 3 नवंबर 2020 और तीसरा चरण 7 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया और इन तीनों चरणों की मतगणना के लिए तिथि 10 नवंबर 2020 रखी गई थी। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जहां बहुमत के लिए 122 का जादुई आंकड़ा छूना था। अब हम आपको पहले चरण की बात बता रहे हैं, जो 28 अक्टूबर 2020 को संपन्न हुआ। शुरू करते हैं पहले चरण के साथ। पहले चरण में 71 सीट के लिए 16 डिस्ट्रिक्ट्स में वोट डाले गए, जहां इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक 53.54% वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 94 सीट्स के लिए 17 डिस्ट्रिक्ट्स में वोट डाले गए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शाम 6 बजे तक 54.05% वोटिंग हुई। तीसरे चरण में 78 सीटों के लिए 15 डिस्ट्रिक्ट में वोट डाले गए, इलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शाम 8 बजे तक 57.27% वोटिंग हुई। अब हम बढ़ते हैं परिणामों की तरफ। सत्तारूढ़ गठबंधन को 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 125 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि विपक्षी महागठबंधन ने 110 सीटों पर जीत हासिल करी। हालांकि विपक्षी दल में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई, जिसने 75 सीट्स पर अपनी जीत दर्ज करी। एनडीए की बात करें तो बीजेपी ने 110 सीट्स पर चुनाव लड़ा, जहां 74 सीट्स पर जीत अपने नाम करी। वहीं जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो 115 सीट्स पर इसने चुनाव लड़ा और 43 सीट पर जीत हासिल करी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर ने 4 सीट जीती और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ने 4 सीट अपने नाम करी और एनडीए का कुल आंकड़ा 125 सीट्स का हो गया। अब हम आपको 243 सीट पर कौन सी पार्टी कितनी सीट जीती है उसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसे आप AIMIM के नाम से जानते हैं, उसने 5 सीट अपने नाम करी। बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी ने 1 सीट हासिल करी। भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीट अपने नाम करी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 2 सीट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने 2 सीट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन ने 12 सीट। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने 4 सीट। इंडिपेंडेंट ने 1 सीट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 19 सीट। जनता दल यूनाइटेड ने 43 सीट। लोक जनशक्ति पार्टी ने 1 सीट। राष्ट्रीय जनता दल, जिसका चेहरा थे तेजस्वी, जिसने 75 सीट्स अपने नाम करी। विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीट्स पर जीत हासिल हुई। ये कुल 243 सीट का लेखा जोखा था। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com।